गाइस, तो आज के दिन की शुरुआत होती है एक छोटे से अलार्म के साथ। तो आइए मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और अभी हम थोड़ा उठेंगे, ब्रश वगैरह करेंगे, फ्रेश होंगे। फ्रेश होने के बाद थोड़ा टाइम टहलने जाएंगे। टहलने के बाद आकर अभी नहाएंगे, फिर इसके बाद रेडी होकर के रेडी होने के बाद हम लाइब्रेरी के लिए, मतलब हमारे अभी क्लासेस ऑफ है, तो मेरे को मैक्सिमम टाइम लाइब्रेरी में देना पड़ता है। तो मतलब लाइब्रेरी में सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। तो अभी हम निकलेंगे घूमने के बाद। सो अभी हम रेडी हो चुके हैं लाइब्रेरी जाने के लिए। तो हमारे राज भी आ गए हैं, ये भी तैयार हैं। तो अभी हम जा रहे हैं लाइब्रेरी और मिलते हैं लाइब्रेरी में। तो हम लाइब्रेरी पहुंच चुके हैं और अभी ऊपर जा रहे थे, लेकिन पहले सोचा कि नीचे देख लेते हैं, अगर नीचे सीट होगी तो उसी में बैठ जाएंगे, क्योंकि नीचे कंफर्टेबल ज़्यादा रहता है और ऊपर सभी बच्चे जाते हैं तो भीड़ बहुत हो जाती है। तो हमको नीचे सीट मिल गई, तो हमको कंफर्टेबल भी था और खाली भी थी सारी सीट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो हम अभी पढ़ने बैठेंगे। तो यहाँ से अभी हमारी पहली सीटिंग स्टार्ट होगी और पहली सीटिंग हमारी रहेगी 7 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। और इसके बाद वैसे तो हमने फुल डे लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है। पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन करेंगे, कुछ चैप्टर्स रह गए तो उसको मुझे रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद मैं स्टार्ट करूँगा क्वेश्चंस पेपर लगाना, क्योंकि कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर रखे हुए हैं तो उनको सॉल्व करना है जो इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो क्वेश्चन पेपर लगाने के बाद फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाएँगे। फिलहाल मेरा ऑर्गेनिक में 70% कंप्लीट हो चुका है और कुछ ही रिवीजन रह गया है। तो रिवीजन करने के बाद मैं क्वेश्चन पेपर जो लगाऊंगा, लगाने के बाद लगभग वही 12:30 बज जाएंगे। तो 12:30 से लेकर के 2 बजे तक वैसे हॉस्टल का टाइम रहता है खाने का, लेकिन हम तो अभी लंच के लिए रूम पर आए हुए हैं और इसके बाद फिर से वापस लाइब्रेरी जाएंगे खाना खाने के बाद। तो अभी थोड़ा सा आधे घंटे का ब्रेक लेके फिर वापस लाइब्रेरी। तो हमारा ब्रेक ख़त्म हुआ और ब्रेक ख़त्म होने के बाद हम वापस लाइब्रेरी बैठते हैं। तो ये हमारी दूसरी सीटिंग है। दूसरी सीटिंग में हम अभी उठेंगे वही 6 बजे, क्योंकि ये दूसरी सीटिंग रहेगी जो 2 से 6 बजे तक की है। तो चलिए तब तक थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो अभी बज चुके हैं 5:00 और हॉस्टल में नाश्ते का समय हो चुका है। तो अभी जा रहे हैं हम नाश्ता करने राज के साथ। नाश्ते में थे पानी पूरी और चाय भी थी, तो ठीक ही लगा, मतलब आज के हिसाब से, हॉस्टल के हिसाब से ठीक ही था। और फिर हम नाश्ता करने के बाद सीधे टहलने ही निकल गए। तो अभी 6:00 हैं और पढ़ते पढ़ते थोड़ा आँख दर्द करने लगी थी और बैठे बैठे कमर भी दर्द करने लगी थी, तो थोड़ा घूमने निकले हैं। तो अभी राज के साथ फिर से घूमने निकले हैं। ये क्या है? PW की नई ब्रांच, वो रेसिडेंशियल है। नई रेसिडेंशियल ओपन हो रही है, लगभग ओपन हो चुकी है, कुछ देर रह गए। ये PW की नई रेसिडेंशियल चालू हो चुकी है अभी, मतलब पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन कुछ दिन में चालू हो जाए, क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, बट अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। देखते हैं, यहाँ हर जगह हॉस्टल्स वगैरह भी नए नए बन चुके हैं।
देखिए अलग सर, अलग सर कहाँ, अरे अलग सर देखिए वहाँ अलग सर यहाँ है। तो ये है विद्यापीठ का एंट्री गेट। तो अभी हम वापस जाएंगे लाइब्रेरी अपनी कंटिन्यू स्टडी करने। तो अभी हम घूमने के बाद वापस आ चुके हैं लाइब्रेरी अपनी पुरानी स्टडी कंटिन्यू करने। इसके बाद अभी हम जो मेरा टारगेट था कंप्लीट करना, वो अभी मैं कंप्लीट करूँगा, क्योंकि अभी तो मेरी ऑर्गेनिक कंप्लीट हो चुकी है। और ऑर्गेनिक के बाद अभी मैं बायो कंप्लीट करूँगा। बायो करने के बाद फिर हम 9 बजे वापस रूम पर जाएंगे। 9 बजे के बाद हम खाना वगैरह खाने के बाद फिर से हमारी फोर्थ सीटिंग चालू होगी। तो अभी तो मैं बायो ही करूँगा। बायो करने के बाद फिर से मिलते हैं रूम पर सीधे। तो हे गाइस, अभी हम आ चुके हैं रूम पर। और रूम पर आने के बाद अभी हमने रेस्ट भी कर लिया और खाना भी खा लिया। तो अभी बज चुके हैं 10 बज रहे हैं अभी। तो 10 बजे के बाद अभी हम पढ़ने बैठेंगे 12:30 बजे तक। 12:30 बजे के बाद हम सोने जाएंगे। सोने फिर वैसे ही कल आज का रूटीन तो वैसे पूरी तरह अच्छे से फॉलो हो गया। और फॉलो होने के बाद कल भी हमारा इसी तरह रहेगा, मतलब डेली रूटीन हमारा ऐसे ही रहेगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करें। और वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।